सोयाबीन करी। रामापुर गांव में हेमंत भाई नाम का व्यक्ति एक होटल चलाता था। उसके होटल में चंदू नाम का रसोईया था। वो बहुत लालची और घमंडी था। वो शुरू शुरू में अच्छा खाना बनाता था, पर बाद में सब्जियां कच्ची रहने लगी और नमक मिर्च भी सही मात्रा में नहीं डालता था। क्यों भाई, कस्टमरों की शिकायतें आ रही हैं। आजकल खाना स्वादिष्ट नहीं है। हर रोज होटल का खाना खाएंगे तो ऐसा ही होगा। मैं तो हमेशा की तरह ही बना रहा हूँ। वो खाकर ऊब गए हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं अभी काम छोड़कर चला जाता हूँ। उस गांव में और रसोईया मिलना मुश्किल था। ना ना, तुम जैसे बनाते हो ठीक है, धंधा भी अच्छा चल रहा है। एक दिन एक औरत एक छोटे लड़के के साथ होटल आई। साहब, मेरा नाम शांता है। हाल ही में मेरे पति का देहांत हुआ है। बेटे को पालने के लिए मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ। होटल में कोई काम है तो दे दे। बेटा गूंगा है, इसे पढ़ाने की ऐसत नहीं है। कोई काम हो तो हम दोनों करेंगे, बस खाने के लिए दे दे। हम दोनों यहीं किसी कोने में रह जाएंगे। उस पर रहम आया और वो मान गया। उस दिन से लड़का बंटी टेबल साफ करता था, शांता बर्तन मांजती थी और होटल की सफाई करती थी। यूं ही बीत रहा था कि एक दिन चंदू ने आकर हेमंत, मैं गांव जा रहा हूं दोस्तों के साथ, 10 दिन बाद ही लौटूंगा। 10 दिन? फिर होटल का क्या होगा? बंद करो। फिर चला गया। उस दिन शाम को चिंतित बैठा हेमंत के पास शांता ने आकर, साहब बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, यदि आप अनुमति दें तो ये 10 दिन मैं खाना बनाती हूँ। मेरे पति कहते हैं कि मैं सोयाबीन की करी अच्छी बनाती हूँ। कहा, देखते हैं। अगले दिन से शांता ने खाना बनाना शुरू किया। बाकी व्यंजनों के साथ साथ सोयाबीन की सब्जी भी बनाने लगी। उसे खाकर एक कस्टमर, इसे कहते हैं सब्जी, इतना स्वादिष्ट सब्जी मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं ये जान सकती हूँ कि सोयाबीन सब्जी आपने कैसे बनाया है? बहुत खुश हुआ शांता और बंटी भी खुश हुए। यूं उन 10 दिनों में होटल में 10 गुना ज्यादा लोग आने लगे। वहाँ का खाना स्वादिष्ट होने के कारण, खास तौर पर सोयाबीन की सब्जी अद्भुत होने के कारण लोग मजे लेकर खाने लगे। 10 दिनों बाद चंदू ने आकर भीड़ को देखा तो हैरान हो गया। आज से हमारे होटल में शांता हेड कुक है, तुम उसके असिस्टेंट बनकर काम करना चाहो तो करो, वरना तुम्हारी मर्जी। चंदू घबरा कर मान गया। उस दिन से शांता खाना बनाने लगी, चंदू सब्जी काटने लगा। वो सोचने लगा, इसे किसी भी तरह यहाँ से भगाना होगा। हेमंत भाई शांता को अच्छी तनख्वाह देते थे। एक दिन शांता सोयाबीन सब्जी बनाकर गई तो चंदू ने आकर उसमें नमक का सारा पैकेट उंडेल दिया। उसे खाकर कस्टमर ने उसे थूक दिया। यूं हर रोज चंदू उस सोयाबीन करी में नमक या मिर्ची मिलाने लगा। एक दिन बंटी ने उसे देख लिया। चंदू ने देख लिया और, क्यों रे गुंगे, अब तू जाकर बताएगा क्या? तू बताएगा तो भी वो समझ नहीं पाएंगे। कहकर हंसने लगा। एक कस्टमर, बाप रे मिर्ची, कहकर चिल्लाता हुआ चला गया। ये क्या है, तुम सब एक जैसे हो, 4 दिन मन लगाकर काम करते हो, बाद में 4 रुपए क्या हाथ आ गए, काम में मन ही नहीं लगता। ये बात नहीं है साहब, हर रोज मैं खाना बनाकर स्वाद देखती हूँ, तब स्वाद अच्छा होता है। समझ नहीं पा रही हूँ कि उसके बाद क्या होता है। इतने में बंटी आकर, बे 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 कहकर इशारा करने लगा। तुम्हारी क्या परेशानी है, जाओ जाकर खेलो, मैं ये सब नहीं जानता। कल अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तुमसे तो अच्छा चंदू है, वो इतना बेकार तो नहीं बनाता खाना। ये सब सुनकर चंदू खुश हुआ। अगले दिन शांता ने सोयाबीन करी बनाकर स्वाद देखा, सब ठीक है सोचकर वहां से गई। बंटी ने तुरंत आकर जमीन पर नारियल का तेल गिराया। बाद में चंदू मिर्ची का डब्बा लेकर धीरे से वहां आया, पैर फिसल कर मुंह के बल गिरा। आय रे, कमर टूट गया, कहकर जोर से चिल्लाया। उसकी चीख सुनकर सब दौड़े दौड़े आए।
हेमंत और शांता चंदू के हाथ में मिर्ची का डब्बा देखकर चौंक गए। हेमंत को सारी बात समझ में आई। हेमंत, तो ये सब तू कर रहा था? खामखा मैं इसे डांट रहा था, तुरंत यहाँ से चले जाओ, अगर आसपास भी दिखाई दिए तो पुलिस को कंप्लेंट कर दूंगा। वो जाने लगा तो बंटी उससे ब ब कहकर बुलाया। चंदू ने उसकी ओर देखा तो नारियल के तेल का डब्बा दिखाते हुए कर चिढ़ाया। चंदू शर्मिंदा हुआ। उस दिन से होटल अच्छा चलने लगा। शांता बंटी को स्कूल भेजने लगी। तो अच्छा स्वभाव और हुनर हो तो तरक्की निश्चित है ना? बजरंगपुर नाम के गांव में मंगेश नाम का आदमी रहता था। वो अपने बीवी और दो बच्चों के साथ रहता था। उसी गांव में उसका एक चिकन शॉप था। हर रोज बाबू नाम का एक मुर्गियों का व्यापारी अपने बैलगाड़ी पे उसके दुकान के पास आता था और उसे मुर्गियां दे जाता था। एक दिन बाबू ने मंगेश से कहा, मंगेश भाई, आसपास के सारे गांव में मैं ही मुर्गियां देता हूं, पर जब भी तुम्हारे दुकान पे आता हूं मेरा मन दुखी हो जाता है। कम दाम पे आते हैं तो बीमार और मरे हुए मुर्गियां तुम मुझसे खरीदते हो, इस तरह चलता रहेगा तो गांव वाले बीमार पड़ने लगेंगे। मंगेश ने कहा, अरे वाह, इतने दिन बाद तुम्हें गांव वालों के सेहत के बारे में याद आया। मुझे जो मुर्गियां चाहिए तुम बेच रहे हो, मैं खरीद रहा हूँ, अपने संबंधन दे तक है। ए, ज्यादा बकबक नहीं है, चल निकल। बाबू ने सोचा ये नहीं सुधरेगा और वहां से चला गया। इस तरह मंगेश उस गांव वालों को खराब चिकन बेच रहा था, पर गांव वाले उसे ही अच्छा मांस समझकर खरीद रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता मंगेश का लालच बढ़ने लगा। वो सोचता था मुनाफा बढ़ाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। एक दिन रात मंगेश अपने घर पे सोकर गहरी सोच में था। उसे एक अद्भुत आइडिया सूझी। वो उठा और हड़बड़ाते हुए घर से बाहर चला गया। उसे देखकर उसकी बीवी ने सोचा, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हैं? इधर मंगेश अपने स्कूटर पर एक मुर्गियों के पोल्ट्री के पास पहुंचा। फिर चुपके से वो पोल्ट्री के अंदर घुस गया। वहां के चौकीदार आराम से सो रहे थे। मंगेश ने चार पांच मुर्गियां लपेट ली, बाहर आया, मुर्गियों को स्कूटर में रखा और वहां से पलायन कर गया। दूसरे दिन उसने उन मुर्गियों को अपने दुकान में बेच दिया। उस दिन से हर रोज रात वो पोल्ट्री चला जाता, मुर्गियां चुराता, उन्हें अपने स्कूटर पे डालता और घर वापस आ जाता। दूसरे दिन अपने दुकान में बेच देता। इससे उसका मुनाफा दुगुना तिगुना हो गया था। बाबू मुर्गियां बेचने आया तो उसने कहा, तुम्हारी मरी हुई मुर्गियां मुझे और नहीं चाहिए, मैंने किसी और से लेना शुरू किया है। उसने बाबू को छुड़ा दिया। बाबू ने सोचा, इसके रेट में जिंदा मुर्गियां इसे कौन दे रहा है, सोचकर वो वहां से चला गया। उस पोल्ट्री से हर रोज मुर्गियां गायब हो रही थी। इसकी जानकारी जब मालिक तक पहुंची, मालिक खुद वहां आके रहने लगा पता करने के लिए कि हो क्या रहा है। उसके साथ उसका बेटा भी चला आया। मालिक अपने कर्मचारियों से पता करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर मुर्गियां जा कहां रही है। उसका बेटा पोल्ट्री के अंदर चला गया और मुर्गियों के बीच खेलने लगा। इतने में उसके हाथ की अंगूठी से हीरा टूट के नीचे गिर गया और एक मुर्गी ने टपक से उस पत्थर को खा लिया। बच्चा डर गया कि उसके पिताजी उसको डांटेगा। उसने अपने पापा को कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन पोल्ट्री का मालिक अपने घर पर अपने बीवी बच्चों के साथ खाना खा रहा था। इतने में उसके बच्चे के मुंह में कुछ सख्त चीज अटका। बच्चे ने आ करके चिल्लाया। उसके पापा ने क्या हुआ बेटा करके पूछा। बच्चे ने मुंह में हाथ डालकर उसे निकाला तो वो हीरा निकला। ये देखकर बच्चा चौंक गया तो उसके पापा ने पूछा, क्यों रे, जिस हीरे को तेरे अंगूठी में होना चाहिए वो तेरे मुंह तक कैसे पहुंचा, सच बता। तब वो बच्चा डर गया और पूरी कहानी पापा को बोल डाली। मालिक ने तुरंत अपने रसोइयों को बुलाकर पूछा, आज चिकन कहां से लाया था? रसोइया ने कहा, मालिक, गांव में मंगेश का चिकन का दुकान है ना, वहीं से। पोल्ट्री के मालिक को पूरा किस्सा समझ में आ गया। दूसरे दिन उस पोल्ट्री के मालिक ने मंगेश को अरेस्ट करवाया।
गांव वालों को जब पूरी बात पता चली तो उन्होंने मंगेश को घिन भरी नजरों से देखा। तो देखा बच्चों आपने, मंगेश नाम का एक छोटा आदमी एक छोटे बच्चे की वजह से पकड़ा गया। तो आप भी समझ लो, गलती करोगे कभी ना कभी जरूर पकड़े जाओगे। और याद रखना, लालच बुरी बला होती है। समझ गए बच्चों?